हाय वर्कआउट की। गाइस। हाय, क्या कर रहे हैं रफीक भाई? भैया वेट लॉस वर्कआउट किया। वेट लॉस वर्कआउट है, करो क्या कर रहे हैं देखेंगे। सिंपल, अपने बॉडी के हिसाब से पैरों को रख दिए। हाँ, सुकून से इंडियन सीटिंग में बैठ गए। अब मोटे को नहीं आता, 120 किलो का है, तुम बैठ गए बोल के बोले तो उन्हें बैठना ना। 110 किलो था, मैं कोशिश करा बैठा मैं। अच्छा, तुम 110 किलो थे। मेरे को नहीं आता था पहले, पैर इतना दूर भी नहीं आते थे बस। अच्छा अच्छा, ऐसा बैठा फिर हल्लू हल्लू होते होते ये जब टीका आई। राइट, बैठ के क्या करना है? बैठ के क्या करना है, सीधा पुशअप मूवमेंट पे आ जाना है। पुशअप मूवमेंट पे आएगा, टुक जब 1 2 3 4 5। राइट, 5 हेड टैप, 1 दो मिलाए तो एक होता। अच्छा, एक 10 रेपिटेशन को 1 काउंट करना क्या? 1 काउंट करना। अरे बाप रे बाप, अब मोटे अजमिया बैलेंस कर सकते हैं? हाँ भैया कर सकते हैं। मोटे लोग जब तुम आए 110 किलो के थे, जब कर सके तुम ये ऐसा इतना हार्ड, एक लूज आदमी के लिए बहुत टफ वर्कआउट दिखता है। हाँ नहीं कर सका, लेकिन मैं कोशिश कर कोशिश करके आए। हाँ, 5 नहीं आए, 3 करा, 2 करे, 1 करे, रेस्ट लिया, फिर नहीं हुआ बोला, फिर उठा, फिर करा, फिर करते करते जब कहीं ये स्ट्रेंथ आ गया, इजी आ गया, पूरा स्टमक चले गया। मुबारक मुबारक, गोलियों की बीमारी चले गई। हाँ। तो ये टो के ऊपर आना, फिंगर आना ही, कैसा करना है? अच्छा, फिंगर पे रुकना है, फिंगर्स पे आना है। फिंगर्स पे आना है और ये हाथ भी रखो पूरा पंजा। अच्छा। हाँ। टैप करने का मूवमेंट भी पूरे 5 फिंगर यूज करना होगा। 5 फिंगर यूज करना। राइट, जब भी उठाए रखे और सुकून से हेड टैप करे। अच्छा, रखे। तो फोरम्स का डिजाइन खुद ब खुद आया था क्या? फिंगर ही अच्छा यूज करे तो, मतलब फोरम्स के मसल पूरे एक्टिव हो जाते। अच्छा, हैंड्स का स्ट्रेंथ बढ़ गया था, पूरा एक्टिव हो गया था, पूरा 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 जबरदस्त। अच्छा है वर्कआउट। राइट, कंटिन्यू। मोटे लोग वेट लॉस करने वाले भाइयों, वीक वीक पर्सनालिटी वाले भाइयों लोगों के लिए भी अच्छा ही है। बहना भाया आंटियाँ बुढ़िया जवाना, ये 10 मिला के 1 काउंट हो रहा है। तो वीकनेस वाला 1 रिपीटेशन को 1 काउंट करते हुए भी कर सकता, बहरहाल करना है, बहरहाल करना है। स्टमक जल्दी जाता नहीं, जल्दी स्टमक रहने दो या गट्स के कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे दो, सब निकल जाता। अच्छा, ये पूरा फुल बॉडी वर्कआउट है ना भैया? ये तो प्लैंक। हाँ, फुल बॉडी वर्कआउट है। अच्छा है, चलो अच्छा है। और क्या है, ये मिनिमम अपना स्ट्रेंथ के हिसाब से करना है। हाँ, उन्हें 20 बोला, इन्हें 50 बोला, 100 करना है तो एक एक करके भी कर सकते हैं। आज एक एक करके कर रहे हैं तो कल क्या है, 10-10 करके, 10-10 आ जाते। राइट राइट रफीक भाई, नेक्स्ट वेरिएशन बताओ। डरे तो नहीं होता, हाँ मोटे करना है तो है, मेरा रिजल्ट करे तो है। राइट रफीक भाई, ओके भाई। राइट, क्या कर रहे भैया? वर्कआउट। हाय हाय हाय, फसलियों पे ले रहे बोलो वेट। रिप्स का मूवमेंट अच्छा आ रहा तुम्हारा? हाँ भैया। तुम एक साल पहले जब वर्कआउट करने आए थे, जब जो पेट था तुम्हारा, जब भी जाते हो देखा मैं, आज पेट नहीं है तो जो जा रहे पीछे तुम फसलियों को अपने, मतलब रिप्स को अपने एक साइड बॉडी को लेके वेट ला रहे वापस, इतना इजी हो गया। वही 1 ईयर पहले तुम्हारे को देखे हो, तुम भी एक नॉर्मल मोटे आदमी की तरह तड़पते सो देखा, आज ईजी नी को उठा रहे, मतलब अपनी कमर को हवा में उठाना। हाँ, कर रहे क्या साहब आप, ज़रा बोलो। पहले पहले तो डेडिकेशन, डेडिकेशन होना, फोकस होना कि रियल चेंजेस लाना है अपने बॉडी। इंटरेस्ट हर उसमें बोलो, फोकस डेडिकेशन इंटरेस्ट डिसिप्लिन, ये सब कुछ मेंटेन करना, ये सब कुछ मेंटेन रहा तो खुद ब खुद चेंजेस आते, खुद ब खुद चेंजेस आते हैं। राइट, जैसा आप मेरे अंदर रिजल्ट देख रहे हैं। हाँ, 1 ईयर में चेंजेस, मेडिसिन लाइफ खत्म कर ली अपने, खत्म कर लिया। इतना ईजी है सही भी, 1 ईयर एक फोकस करा गोल बोल तो इंसान पूरे बीमारियों को लाइफ। राइट, सुपर। ये क्या है, नी सब? राइट, अच्छा आपने हिप को उठाना, हिप को उठाना, क्या बात। कोर पे खुद बहुत, कोर पे खुद बहुत वेट आता, रिप का स्ट्रेंथ बढ़ जाता, स्ट्रेंथ बढ़ नीचे जाता। फुट का स्ट्रेचिंग हो जाती, नी स्ट्रेच हो जाती, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाते, अरे थाई मजूला, ये रिप्स का स्ट्रेंथ तो अच्छा है। ऐसे मूवमेंट आ करके तुम्हारा स्टमक पूरा अंदर गया सर। हाँ। नहीं खुद ईजी कर सक रहे तुमने तो, एक मोटा आदमी इतना जल्दी जाके फ्लोर को टच करके आना, फिर फ्लोर से अपने आप को जीरो लेवल पे पुश करना कमर। अच्छा, मतलब जब अपने आप को अपन ऊपर पुश कर रहे हैं तो कोर पे वेट लेना क्या, स्टमक को अंदर करते हुए? स्टमक को अंदर करना, ये चेस्ट को अंदर करना। हाँ, ये हुई ना बात, पूरा वेट हाथों पे।
पूरा पेट हाथों पे हथेली पूरा चिपका के रखना, फिंगर्स पूरे ओपन रहना पूरे। अच्छा, हमेशा पूरा 5 के 5 फिंगर्स को यूज करना, एक्टिव रखना। जैसे मैं यहाँ हाथ रखा, मेरे जो नी है नी के हिसाब से जो इधर हाथ रखा, हाँ इधर नहीं नी के हिसाब से इधर बेसिक पहले ऐसा रख के करना बेसिक। अच्छा, और एल्बो को क्या करना है, पीछे तरफ करना है। अच्छा, जाता भी पीछे की तरफ ही, राइट। एक फसली को रिप्स, एक रिप्स को यूज करें, फिंगर्स ओपन है, हथेली से पुश करें इसको, या बैक बैक, फिर वो रिप्स पे गए। अच्छा, पैर के हिसाब से रखे, पीछे लिए, क्या बात, टाइप करे पुश वापस, ये हाथ से पुश कर लेते उठे। एक जब तुम एक बहुत वेट के थे, जब जाने में थोड़ी तकलीफ होती थी कि नहीं? तकलीफ तो बहुत ही, नो पेन नो चेंज, राइट। क्या बात है, ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं, अलग अलग तरीके से अपने पूरा। अच्छा, राइट, जैसा वैसा रख के उसे एक ही तरफ एक ही मूवमेंट करना पड़ेगा पूरा। इसमें भी पूरा फुल बॉडी यूज हो रहा, पूरा अपर टू बॉटम, हाँ बॉडी, फुल बॉडी वर्कआउट। अच्छा, इजी हेयर निकल जाता बॉडी में से, बहुत सुकून से करने के, आराम से आदमी 150 बार कर ले सकता, 50, 100, 10, मतलब एक वेट लॉस करने वाले का गोल हर वर्कआउट 100 का रखना है, बोलो रिपीटेशन। अब ये उधर से इधर जाके आए तो 1 काउंट करना, राइट, दोनों रिप्स यूज हुए बोले तो 1 काउंट करना। अच्छा, बहुत अच्छा, नहीं डरना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मिनट अच्छा, इतना वेट लॉस करे तुम, कुछ मेडिसिन यूज करे नहीं, बगैर मेडिसिन के अपने आप को चेंज कर लिए पूरा? नो मेडिसिन, कुछ मेडिसिन लिया ही नहीं, खाली वर्कआउट से। कुछ प्री वर्कआउट बोल के लिया मैं, ना वेट लॉस के लिए लिया, ना मैं क्या बोलते कुछ गैसेस रिलीज होना बोलते है, हाँ मेडिसिन यूज ही नहीं करा, जो भी है नेचुरल है, खुद ब खुद वर्कआउट करके पूरी हवा को निकाल दी। हवा, अच्छा तुम्हारे को वेट लॉस करने से पहले हील पेन भी था? हाँ, हील पेन था। मेडिसिन खाते थे हील पेन को? हाँ, खाता था। हाँ, मैं जो काम कितने वर्कआउट चालू करे बाद में, कितने महीने के बाद हील पेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तुम्हारा? पता नहीं चला होगा, लेकिन जिस दिन से मैं रखा मैं स्टेप मेरे उस्ताद के साथ वर्कआउट करने, हाँ उस दिन से तो मैं मेडिसिन को भूल ही गया, खत्म हो गया लाइफ। उससे पहले डेली कुछ ना कुछ मेडिसिन हुआ तो भी उस्ताद से पूछता था, रिहैब वर्कआउट बतलाते थे। अच्छा, स्ट्रेच करते ही निकल जाता था सब कुछ। अच्छा, ये भी बैठना नहीं आता था, ये तो अच्छा, ये बैठने भी नहीं आता, हाँ पूरा फ्री मूवमेंट हो गया। और अच्छा बनाना चाह रहे अभी? और अच्छा बनाना है अभी। चलो अच्छा है, फिटनेस लाइफ मुबारक रफीक भाई, कैसा दिख रहा फिटनेस लाइफ में? अच्छी लाइफ गुजर रही? नहीं, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहना ही अच्छा है भैया, आज के पीरियड में आदमी को बिल्कुल फ्री है, अपने आप से स्ट्रेस फ्री रहते हो लाइफ भी अच्छी रहती, राइट। मुंह क्या बात है, मुबारक फिटनेस लाइफ रघुवीर भाई। बोलो वेट लॉस करने वालों को, वेट लॉस करो भाई, अपने जॉइंट को यूज करो, बोल माताओं पिताओ जो भी करना चाह रहे, करने से छोता, मेडिसिन से कुछ नहीं होता, नो चेंज, राइट। ओके गाइस, ओके बाय बाय।